नमस्कार इस वेले आपां सुजानपुर दे पुल नंबर 3 ते खड़े आ संघर्ष लंबे समय तों जिहड़ी समस्यावां दा सामना राहगीरां नूं करना पै रिहा मंदासी स्थानी निवासी जिहड़े लगातार इस चीज़ तों परेशान ते है ही ने पर जिहड़े दूर दूर तों लोग जिहड़े इत्थे आ रहे ने उहनां नूं काफ़ी ज़्यादा परेशानी दा सामना करना पै रिहा तस्वीरां दिखाउण दी कोशिश कर रहे हैं तुसीं देख सकदे हो कि जिहड़ा इह अंडरब्रिज हैगा इह जदों वी बरसात हुंदी आ रोज़ इत्थों दा काम हो गया कि इह स्विमिंग पूल बन जांदा है स्थानी निवासी जिहड़े ने इत्थों दी आम आदमी पार्टी दे नेता ने हरजीत सिंह होरी उन्होंने वालों भी जी प्रशासन अगर मांग की गई है कि इस समस्या का पक्के तौर पर हल किया जाए क्योंकि काफ़ी गड्डिया तस्वीर देख सकते हो कि जी गड्डी इतने जा रही है पहले तो लोगों को पता नहीं लगता कि इतने पानी कितना और टेंशन के बीच लोग गड्डिया अपनी इतों कढ़ते पे ने और काफ़ी गड्डिया जी खराब हो जाएं नैशनल हाईवे अथॉरिटी वालों लगातार 4 तो 5 साल काम करने के बाद यह अजूबा तैयार किया गया सीगा यह अजूबा लोगों वास्ते परेशानी का सबब बनता जा रहा है स्थानीय निवासियों की मांग है कि इस समस्या का पक्के तौर पर हल किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पवे जो गल की जाए अमरनाथ यात्रा की तो अमरनाथ यात्री जोड़े है सरोड तो होकर निकलते हैं तो पठानकोट जोड़ा प्रशासन है वो उपर जोड़ा है कि जोड़ा लोगों के उपर विश्वास रहा है क्योंकि जोड़े रोड ही जो सही नहीं होंगे तो लोगों को समस्यावान का हल किस तरह होगा तुम देखो रिपोर्ट लोगों की मांग है कि प्रशासन इस समस्या का पक्के तौर पर हल महाराज जो पानी का निकास होना चाहिए हर बार इतना जाम लगता गड्डिया पानी डुब जाए कोई करना चाहिए बंदोबस्त इतना पानी का जी बड़ी देर दी है जी जदों का पुल बने अदू की भैंस समस्या आ रही है अं कहने कोई हल कटना चाहिए पिछली 7 तरीक भी 2 गड्डिया इतना डुबिया 3 इतना पानी बड़ा पानी निकलता ही नहीं तो पानी का निकास कटना चाहिए रहना जी आए दिन जो पानी इकट्ठा हो जाता काफ़ी लोग परेशान होते पहला सारा मेरा नमस्कार लेकिन वीरे तुम सामने देख रहे हो नैशनल हाईवे दी गड्डियां जा रही हैं स्कूटर जा रहे हैं और अद्धी अद्धी गड्डी जी है वह पानी में डुबी हुई है नैशनल हाईवे जोड़े है वह टोल जगह जगह ला के लोगों ने लुट रहे हैं और इस गल इस काम वाल कोई ध्यान नहीं आ रहा किसी का भी और देखो तो गड्डी आ रही है अद्धी अद्धी डुब के आ रही है कई गड्डियों के बंद हो जाए फिर धक्का ला ला करते बेचारे गड्डिया रात के जो हनेरा हो जाता है तो और गड्डी जो एक्सीडेंट होने का कारण बहुत ज़्यादा बन रहा इतने और कई हादसे हो चुके हैं इतने और गड्डी ये देख लो तुम गड्डी आ रही है अद्धे अद्धे टायरों को पानी लंघन आ रहा देखो ये देखो जी पानी कितना क्या है इतने आए दिन हादसे हो रहे हैं कृपया नैशनल हाईवे ये चैलेंज करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द हल किया जाए नहीं तो असं पिंड वासी सारे इकट्ठे होकर यह रोस प्रदर्शन करांगे धन्यवाद प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा मैं डीसी साहब नूं यही बेनती करना चाहांगा कि इत्थे आके मौका देखण और इहदा जल्दी तो जल्दी हल किया जाए मंग सर रोड की करने जी रोड साफ होना चाहिए जी ये पानी को बचाव होना चाहिए जी ये पानी जो कि निकलना दसो दी जी इन्ना गंदा रोड है कि बच्चे कि स्कूल स्कूल के बच्चे कि पास करते जी प्रशासन देख नहीं रहा जी उ देख रहा कि बस टोल कटी जाओ तो बस डिसाइडिंग हो जाएगी टोल कटी जाते जी कोई इतना रोड का कोई हल नहीं हो रहा जी अं यही मांग करने कि रोड हल किया जाए जल्दी जल्दी हल किया जाए जी।